अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाइलम एकैंथोसेफेला। द वर्ड एकैंथोसेफेला मीन्स थॉर्नी हेडेड, और वर्ड एकैंथो का मीन्स होता है थॉर्न एंड द सेफेला मीन्स हेड। तो फाइलम एकैंथोसेफेला के अंदर ऐसे पैरासाइट्स पाए जाते हैं जो कि थॉर्नी हेडेड वर्म्स होते हैं, जिनको हम थॉर्नी हेडेड वर्म्स कहते हैं। थॉर्नी हेडेड वर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके हेड के ऊपर कांटेनुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, कांटेदार सा प्रोबोसिस एक प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको थॉर्नी हेडेड वर्म्स कहते हैं, जिसकी वजह से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर अबाउट फाइलम एकैंथोसेफेला, और इसके अंदर सबसे पहले हम इसका हैबिटेट स्टडी करेंगे। दीज आर ऑल एंडो पैरासाइट्स, ये सारे जो हैं ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं, और दिल्ली इनके जो एडल्ट फॉर्म होती है वो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। एडल्ट्स जो थॉर्नी हेडेड वर्म्स होते हैं दे लिव इन द इंटेस्टिनल ट्रैक ऑफ वर्टिब्रेट, और स्पेशली फिशेस के अंदर ये रहते हैं। और इनके जो जुवेनाइल फॉर्म्स होती है, यानी कि जो इमेच्योर फॉर्म्स होती हैं इनकी, जुवेनाइल्स आर पैरासाइट्स ऑफ क्रस्टेशियंस एंड इंसेक्ट्स, और इमेच्योर फॉर्म्स जो होती हैं वो पैरासाइट्स होते हैं क्रस्टेशियंस के अंदर, जितने भी मैरीन इंसेक्ट्स हैं और बाकी इंसेक्ट्स के अंदर भी, कॉकरोचेस के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू होस्ट, ये अपने लाइफ साइकिल को दो होस्ट की बॉडी के अंदर रहकर कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट होस्ट इज़ इंटरमीडिएट होस्ट, और जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है उसके अंदर इनवर्टिब्रेट्स आते हैं लाइक क्रस्टेशियंस, कॉकरोचेस, इंसेक्ट्स, और क्रस्टेशियंस के अंदर एम्फीपॉड्स वगैरह ये सारे जो होते हैं, ये इनके इनवर्टिब्रेट्स होस्ट होते हैं जिनके अंदर ये इनकी जुवेनाइल फॉर्म रहती है। और उसके बाद जो सेकंड होस्ट होता है इनका, वो डेफिनेटिव होस्ट होता है, और डेफिनेटिव होस्ट के अंदर सारे वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। वर्टिब्रेट्स में स्पेशली फिशेज होते हैं, और फिशेज के अलावा मैमल्स और बर्ड्स वगैरह वो भी जो वर्टिब्रेट्स हैं, पिग्स के अंदर, उनके इंटेस्टाइन के अंदर इनकी जो है एडल्ट फॉर्म रहती है। तो ये दो होस्ट होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट और डेफिनेटिव होस्ट। इंटरमीडिएट के अंदर जुवेनाइल फॉर्म रहती है, और डेफिनेटिव होस्ट जो है उसके अंदर एडल्ट फॉर्म रहती है। नेक्स्ट है इसका साइज, जनरली स्मॉल होते हैं, ठीक है, और लेस देन 40 मिलीमीटर लॉन्ग इनका साइज, ये कि इनकी जो लेंथ होती है 40 मिलीमीटर से कम होती है नॉर्मली, और लेकिन एक स्पीशीज के अंदर इनकी लेंथ जो है वो 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है, लेंथी हो सकती है। दैट स्पीशीज जो है इसका नेम है मैक्रासेंथोरिंकस एंड हिरुडिनेसियस, ये स्पीशी का नेम है। आई डोंट नो आई हैव प्रोनाउंस्ड इट वेल और नॉट, बट ये इसका आपने प्रोनाउंसिएशन भी चेक कर लेनी है कि ये जो स्पीशी है इसके अंदर इसकी जो लेंथ होती है वो 90 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकते हैं। और ये वाली जो स्पीशी है ये किसके अंदर पाई जाती है, इट इज़ प्रेजेंट इन पिग्स, पिग्स के अंदर ये रहती है, ठीक है। ये वाली जो स्पीशीज़ जो 90 सेंटीमीटर तक लेंथी हो सकती है, इट अकर्स इन द पिग्स, ये पिग्स के अंदर पाई जाती है। नाउ इसकी बॉडी फॉर्म देखते हैं, बॉडी इज़ इलोंगेट, इनकी जो बॉडी होती है इलोंगेट होती है, लंबी होती है। इसके अलावा शॉर्ट एंटीरियर प्रोबोसिस होता है इनकी बॉडी के अंदर, अ नेक रीजन होता है एंड अ ट्रंक, और ट्रंक को मेटासोमा भी कहते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ बॉडी फॉर्म्स हैं। इसके अलावा अच्छा पहले हम ये वाली बॉडी फॉर्म्स देख लें इधर डायग्राम के अंदर। तो ये मैंने एक मेल एकैंथोसेफेला बनाया है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो है दिस इज़ द प्रोबोसिस, ठीक है। ये बॉडी इनकी इलोंगेट है, लंबी है, ये भी देख सकते हैं। शॉर्ट एंटीरियर प्रोबोसिस होता है, ये एंटीरियर साइड है और ये इसका प्रोबोसिस है। प्रोबोसिस जो है इसके ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं और हुक्स लगे होते हैं, दीज आर हुक्स, और स्पाइंस भी होते हैं। और ये प्रोबोसिस जो है ये अपने हुक्स की हेल्प से अपने होस्ट की इंटेस्टाइन के अंदर, उसकी इंटेस्टिनल वॉल के अंदर अटैचमेंट करता है। तो प्रोबोसिस जो है ये एक प्रोट्रूजिबल स्ट्रक्चर होता है। प्रोट्रूजिबल का स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो बाहर निकल आए, ठीक है। तो ये अपनी बॉडी से इस तरह बाहर निकलता है, इस तरह बाहर निकल के अपने होस्ट की इंटेस्टिनल वॉल के अंदर इस तरह पेनिट्रेट कर जाता है और उसमें अटैचमेंट करवा लेता है विद देयर हुक्स, ठीक है। तो ये होता है एक प्रोबोसिस। इसके अलावा यहाँ पर ये नेक रीजन है इसका, और ये बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है दिस इज द ट्रंक, ये इसका ट्रंक है। तो ये इसकी कुछ बॉडी फॉर्म्स हैं। इसके अलावा हम देखेंगे लेमनीसी, इसके अंदर एक और बॉडी फॉर्म है दैट इज कॉल्ड एज लेमनीसी। ये है लेमनीसी। लेमनीसी के अंदर टू सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर साइड पर, ठीक है। तो ये ट्रंक के अंदर हम देख सकते हैं एंटीरियर साइड पर टू सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये ग्रीन कलर के, इनको लेमनीसी कहते हैं। और इसके फंक्शन में आता है कि ये फ्लड रिजर्वियर्स होते हैं, मे आल्सो फंक्शन एज फैट मेटाबॉलिज्म, और फैट की मेटाबॉलिज्म करने के लिए भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा हम इसकी बॉडी वॉल देखेंगे नेक्स्ट के अंदर। अंदर है बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल जो है ये आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, ये जो लेयर्स हैं सारी
ये इसकी बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के अंदर हम देखेंगे कौन कौन सी लेयर होती है। बॉडी वॉल के अंदर ऐसे ही क्यूटिकल होती है एक, और उसके बाद एपिडर्मिस आ जाती है इनकी बॉडी वॉल के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉडी वॉल इज कवर्ड बाय लिविंग सिंसिशियल टैगमेंट। एक सिंसिशियल टैगमेंट होती है, टैगमेंट जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि पैरासाइट की जो बॉडी होती है उसको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल कंडीशंस से, ठीक है, हार्मफुल इन्वायरमेंट से, या फिर ऐसे इंजाइम्स जो कि उसकी होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उनसे उसको उनको बचाता है पैरासाइट्स को। तो ऐसी टैगमेंट जो होती है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अपने पैरासाइट को, ऐसी टैगमेंट जो है इनके ऊपर बन जाती है, इनकी बॉडी के ऊपर कवर कर लेती है इनकी बॉडी को। और ये जो है किसकी बनी होती है, ग्लाइकोसेलिक्स कवर द टैगमेंट। और इस टैगमेंट को किसने कवर किया होता है, एक ग्लाइकोसेलिक्स जो है ये एक कंपाउंड है जिसने इस टैगमेंट को कवर किया होता है। ये एक जेल लाइक मटेरियल होता है ग्लाइकोसिलिक्स, जो कि किसी भी फॉरेन एजेंट को उसकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देता, पैरासाइट की बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देता। कोई हार्मफुल एंजाइम है या उनका कोई डिफेंसिव मटेरियल है उसको पैरासाइट की बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देगा ग्लाइकोसिलिक्स। उसके बाद ग्लाइकोसिलिक्स जो है ये किससे बना हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स से बना होता है। नेक्स्ट है ये प्रोटेक्शन देता है, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट हॉस्ट एंजाइम। जो हॉस्ट की बॉडी के अंदर उसकी इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनसे पैरासाइट की बॉडी को बचाता है। इसके अलावा एंड इम्यून डिफेंसेस, और जो हॉस्ट का इम्यून डिफेंस होता है, डिफेंसिव सिस्टम होता है, उससे इसको प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर जो बॉडी वॉल है इसका एक और फंक्शन है वो ये है कि जो ये थॉर्नी हेडेड वॉर्म्स होते हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ना इनका माउथ होता है और ना ही इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन और माउथ वगैरह नहीं होता, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट, सो दे एब्जॉर्ब फूड डायरेक्टली थ्रू द टैगमेंट। तो ये जो टैगमेंट होती है बॉडी वॉल के ऊपर, ठीक है, ये जो टैगमेंट होती है ये फूड को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन भी प्ले करती है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं बॉडी वॉल के। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, बट प्रोटोनेफ्रेडिया में भी प्रेजेंट इन सम स्पीशीज, ठीक है, मतलब ये जो थॉर्नी हेडेड वॉर्म्स होते हैं इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, लेकिन कुछ स्पीशीज के अंदर जो है प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया जिसके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं, वो फ्लेम सेल्स जो होते हैं पूरी बॉडी के अंदर से वेस्ट को कलेक्ट करके एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। वो फ्लेम सेल्स कुछ स्पीशीज के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इनके अंदर नहीं होता है। नर्वस सिस्टम जो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है, और नर्वस सिस्टम के अंदर वेंट्रल एंटीरियर गैंग्लियोनिक मैस होता है एक, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एंटीरियर साइड पर, वेंट्रल साइड पर, वैली वाली साइड पर, एंटीरियर साइड पर ये एक गैंग्लियोनिक मैस होता है, ये जो मैंने रेड डॉट बनाया है। इसके अलावा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व्स जो होती हैं अराइज फ्रॉम इट, इसी मैस से एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व्स अराइज होती हैं। तो ये इनका छोटा सा जो है नर्वस सिस्टम होता है, सिंपल सा। नेक्स्ट हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं हम इसका, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं। तो जो मेल होते हैं ये अब मेल बॉडी है, ठीक है, मेल के अंदर हम मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके अंदर देखेंगे टू टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, कॉपुलेटरी बुरसा होता है, सीमेंट ग्लैंड होते हैं, प्रोट्रूजिबल पेनिस होता है, और इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो फाइलम एकेंथोसेफेला है इसके अंदर जो वॉर्म्स होते हैं थॉर्नी हेडेड वॉर्म्स, दीज आर डायोशियस, ठीक है, ये डायोशियस होते हैं, इनके अंदर मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। तो मेल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मेल की बॉडी के अंदर होगा और फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसकी बॉडी के अंदर होगा, फिर ये एक दूसरे के साथ मेटिंग करते हैं और मेटिंग करके एग्स वगैरह को फर्टिलाइज करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर हम मेल देखेंगे सबसे पहले। मेल जो है इसके अंदर यहाँ हम देख रहे हैं टू टेस्टिस होते हैं मेल की बॉडी के अंदर, ठीक है, ये टू टेस्टिस हैं, और इसके अलावा सीमेंट ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पर। ये सीमेंट ग्लैंड्स जो है इनका फंक्शन ये होता है कि यूज टू क्लोज द पोस्टीरियर एंड ऑफ फीमेल। सीमेंट ग्लैंड जो है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि जब ये फीमेल के अंदर अपना स्पर्म डिपॉजिट कर देते हैं और उसके एग्स को फर्टिलाइज कर देते हैं, उसके बाद फीमेल का जो जेनिटल पोर होता है उसको ये क्लोज कर देते हैं, ठीक है, टेम्परेरली थोड़ी देर के लिए क्लोज करते हैं कि कोई और मेल आकर उनके साथ मेटिंग ना करे, ठीक है। इस वजह से ये जो है
सीमेट ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट है, और इसका फंक्शन क्या है, ये मेल के अंदर होता है, और इसका फंक्शन ये होता है कि कुछ ऐसे जो है सब्सटेंसेस को रिलीज करता है जो फीमेल की जो जेनिटल ओपनिंग होती है उसको क्लोज कर देते हैं टेम्परेरली आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन करने के बाद। तो ये एंड पर वर्क करता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है। यहाँ पर टू टेस्टिस होते हैं और ये इसकी स्पर्म डक्ट है, टेस्टिस जो है कि अंदर स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म स्पर्म डक्ट से मूव करते हुए सेमिनल वेजिकल के अंदर आ जाते हैं। ये सेमिनल वेजिकल है जिसके अंदर स्पर्म स्टोर होते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आगे ये इसका पेनिस है, ठीक है, ये इनका पेनिस होता है और ये कोपुलेटरी बुरसा है। कोपुलेटरी बुरसा का फंक्शन ये होता है कि फीमेल को अपनी साथ अटैचमेंट करवाने के लिए या फीमेल को ग्रैस्प करने के लिए बुरसा जो है यूज़ होता है, कोपुलेटरी बुरसा। और ये पेनिस होता है जो कि स्पर्म की स्पर्म को ट्रांसफ़र करता है फीमेल की जेनिटल पोर के अंदर। तो ये है इनका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। और फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, स्पर्म को ये फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, तो फिर सीमेट ग्लैंड जो होते हैं फीमेल की जो जेनिटल ओपनिंग होती है उसको क्लोज कर देते हैं ताकि कोई और मेल जो है उनके साथ मेटिंग ना करें। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अंदर फ्लोटिंग ओवरीज बाल्स होती हैं विद इन लिगमेंट सैक, लिगमेंट सैक के अंदर। उसके बाद यूट्राइन बेल होती है, सेमिनल रिसेप्टिकल होता है जो कि जिसके अंदर स्पर्म जो है रिसीव करता है वो। उसके बाद वेजाइना है, जेनिटल पोर है। तो इसके अंदर देखते हैं, ये है फीमेल, ये मैंने फीमेल बनाई है। इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर देखें तो फीमेल की बॉडी के अंदर हम देख सकते हैं सेम वही, यहाँ ये प्रोबोसिस है विद स्पाइंस और हैमिंग हुक्स, ठीक है, दिस इज़ अ प्रोबोसिस। और ये नेक है, उसके बाद ये सारा ट्रंक है, ट्रंक के अंदर ये लैमिनीज़ी है, और ये इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, ये इधर भी बॉडी कैविटी सूडोसीलोम कहते हैं, इनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी होती है एकेंथोसिफेलन के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये नेमाटोड से सिमिलैरिटी शो करते हैं, इनके अंदर भी फॉल्स बॉडी कैविटी बनती है। तो अब हम देखेंगे इसका फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ओवेरियन बाल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, लिगमेंट सैक, एक लिगमेंट सैक होती है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है मेल की लिगमेंट सैक है ये वाली, ठीक है, दिस इज द लिगमेंट सैक, लिगमेंट सैक। मेल के अंदर एक ही लिगमेंट सैक होती है और फीमेल्स के अंदर टू लिगमेंट सैक होती है, ठीक है। मेल के अंदर डॉर्सल सैक होती है, डॉर्सल लिगमेंट सैक होती है, और फीमेल के अंदर डॉर्सल और वेंट्रल दोनों लिगमेंट सैक्स प्रेजेंट होती हैं, दो, ठीक है, एक। और अब हम स्टडी करते हैं ये वाली मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इसके अंदर ये जो है इसकी लिगमेंट सैक है, और फॉर एग्जांपल कि ये इसकी वेंट्रल लिगमेंट सैक है तो इसके पीछे इसकी डॉर्सल लिगमेंट सैक भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो हम ए मैंने एक ही ड्रॉ की है फिलहाल। तो ये लिगमेंट सैक के अंदर जो है ओवेरियन बाल्स होती हैं जिनके अंदर ओवरीज के अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं, और ये उस सैक के अंदर फ्लॉट कर रही होती हैं, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएँ तो यहाँ पर एक यूट्राइन बेल होती है, और इस यूट्राइन बेल का फंक्शन ये होता है कि जो एग यहाँ पर फुली मेच्योर हो चुके होते हैं उन्हीं एग को ये इधर से गुजरने देती है, ठीक है। यहाँ से ना जब मेल स्पर्म को डिपॉजिट करा देता है इधर जेनिटल पोर के अंदर, ठीक है, ये सबसे पहले फीमेल का जेनिटल पोर है, यहाँ पर स्पर्म आ गया, स्पर्म वजाइना के अंदर आ गया, और वजाइना के अंदर आकर यहाँ पर सेमिनल रिसेप्टिकल होगा यहाँ पर, ठीक है, इधर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा जिसको कहते हैं सेमिनल रिसेप्टिकल, जिसके अंदर स्पर्म ने आकर थोड़ी देर के लिए स्टोर होना होता है या स्पर्म को रिसीव करना होता है इस स्ट्रक्चर ने। तो स्पर्म यहाँ पर आएगा, उसके बाद स्पर्म यहाँ से गुजरेगा यूटराइन बेल से और अंदर चला जाएगा ओवेरियन बाल्स के पास चला जाएगा, और यहाँ आकर एग्स को फर्टिलाइज कर देगा। अब यहाँ पर जो एग फर्टिलाइज्ड होने के बाद फुली मेच्योर हो जाएंगे वही एग्स वापस यूटराइन बेल से निकलेंगे और फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जो इमेच्योर एग्स होते हैं वो बाहर नहीं आने देती है, यूट्राइन बेल का फंक्शन ही ये है कि इसने सिर्फ मेच्योर एग्स को इधर से निकलने देना है लिगमेंट सैक से। तो जो एग्स मेच्योर हो जाते हैं फिर फर्टिलाइजेशन के बाद वो इधर से निकल आते हैं और वो यूट्रस के थ्रू फिर वजाइना में आते हैं और फिर जेनिटल पोर के थ्रू वो फीमेल की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और वो एग्स अब आ जाते हैं अपने जो एडल्ट जो इनका वर्टिब्रेट होस्ट जो होता है उसके इंटेस्टाइन के अंदर एग्स आ जाते हैं। फिर उसके इंटेस्टाइन के अंदर से ये एग्स जो हैं उनके फीसिस के थ्रू बाहर निकल आते हैं। तो फिर जो इस तरह ये एग्स जो होते हैं फीसिस के अंदर पहुंच जाते हैं और फीसिस के थ्रू ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं। फिर से ये एग्स जो होते हैं अपने इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर चले जाते हैं। ड्यूरिंग फीडिंग जब कोई इंटरमीडिएट होस्ट इन एग्स को ईट कर लेता है तो फिर ये उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और फिर इस तरह ये अपने फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर जाते हैं। फिर उस इंटरमीडिएट होस्ट को कोई खा लेता है तो फिर ये डेफिनेटिव होस्ट के अंदर चले जाते हैं। डेफिनेटिव होस्ट के अंदर जाकर ये एडल्ट में दोबारा से कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर से रिप्रोड्यूस करते हैं। ये इनका
आगे फर्दर लाइफ साइकिल चलेगा। तो ये तो थी फर्टिलाइजेशन के, हमने ये देखा है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है और उसके बाद फीमेल्स जो हैं वो कैसे एग्ली करती हैं और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड किया है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है डिवेलपमेंट। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि डिवेलपमेंट कैसे होती है। तो द एग्स पास आउट ऑफ द होस्ट विद देयर फीसेस, मैंने बताया कि फीमेल जब एग ले करती है तो उसके बाद वो एग्स जो है अपने वर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर ही ले करती है। फिर जब वर्टिब्रेट फीसेस करते हैं तो उसके फीसेस के थ्रू एग्स जो होते हैं उनकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो एग्स जो हैं वो फीसेस के थ्रू बाहर आ गए फर्स्ट स्टेज के अंदर। दीज एग्स ईटन बाय सर्टन इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस, और मैंने बताया कि ये एग्स जो होते हैं इनको फिर कुछ सर्टन इंसेक्ट्स जो होते हैं आर्थ्रोपोड्स वो इनको एग्स को ईट कर लेते हैं। ठीक है, क्रस्टेशियंस भी हो सकते हैं, कॉकरोचेस भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के अंदर एग्स जो है उनको इंसेक्ट्स ने ईट कर लिया है, एग्जांपल ली है कॉकरोच की। और ये इनका जो वर्टिब्रेट होस्ट है, और वर्टिब्रेट होस्ट मैंने बताया कि ये कौन सा होस्ट होता है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है। इंटरमीडिएट जो है इनका फर्स्ट होस्ट होता है इनके लाइफ साइकिल के अंदर। ये अपने दो होस्ट के अंदर रहकर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो ये है इनका फर्स्ट होस्ट, जब एग ले करती है फीमेल और एग्स जब बॉडी से बाहर निकलते हैं वर्टिब्रेट की बॉडी से, तो सबसे पहले वो इनको इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर चले जाते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट उनको ईट कर लेता है एग्स को। नेक्स्ट है द लावा, लावा इमर्जेस फ्रॉम द एग इन द होस्ट। फिर जब ये एग्स इंटरमीडिएट होस्ट की बॉडी के अंदर चले जाते हैं उसके बाद ये एग हैच करते हैं और इनके अंदर से लार्वा निकलता है। अब ये जो लार्वा एग के हैच करने के बाद एग के अंदर से निकल आया है, इट इज़ नाउ कॉल्ड एज एकैंथर। एकैंथर जो है ये फर्स्ट लार्वल स्टेज है। तो ठीक है, एकैंथर जो है इस पैरासाइट की फर्स्ट लार्वल स्टेज है जो कि एग के हैच करने के बाद फौरन एग से बाहर निकलता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज लार्वा। देन इट बरोज थ्रू गट वॉल एंड रीच इज द हीमोसील। अब ये जो लार्वा फर्स्ट स्टेज लार्वा जो कि एग से बाहर निकल आया है, ये क्या करता है, इट बरोज थ्रू द गट वॉल। ये अपने इंटरमीडिएट होस्ट की जो गट वॉल होती है, इनकी जो इंटेस्टिनल वॉल होती है, उसके अंदर सुराख करके हीमोसील के अंदर रीच कर जाता है। हीमोसील जो होता है, हीमोसील एक बॉडी कैविटी होती है जो कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर इंसेक्ट्स के अंदर पाई जाती है। इंसेक्ट्स के अंदर जो बॉडी कैविटी पाई जाती है उसको हीमोसील कहते हैं। और हीमोसील के अंदर इस बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है और जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो सारे इसी बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे अंदर होता है कि हमारी जो ब्लड होता है वो डिफरेंट ब्लड वेजल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उनके लिए बॉडी कैविटी अलग से होती है, ब्लड वेजल्स जो होती हैं उनके लिए वेन्स अलग से होती है, ब्लड के लिए जो होती हैं वेजल्स अलग से होती हैं। लेकिन इंसेक्ट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। इंसेक्ट्स के अंदर जो बॉडी कैविटी होती है उसी के अंदर पूरा ब्लड भी होता है इनका, और उसी के अंदर इनके बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इनके जो बॉडी कैविटी होती है उसको हीमोसील कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड भी होता है ऑर्गन्स भी होते हैं। तो अब ये जो एकैंथर है, एकैंथर फर्स्ट स्टेज लार्वा जो है ये हीमोसील के इंसेक्ट्स के हीमोसील के अंदर मूव कर जाता है। उसके बाद इट डिवेलप्स इनटू एकैंथीला इन हीमोसील। फिर हीमोसील के अंदर जाकर ये नेक्स्ट लार्वल स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जो कि इनकी सेकेंड लार्वल स्टेज है। सेकेंड लार्वल स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है हीमोसील के अंदर जाकर, और इनकी सेकेंड लार्वल स्टेज का नेम है एकैंथीला। ठीक है, नेक्स्ट इट फाइनली चेंजेस इनटू सिस्टाकांथ, और उसके बाद ये फाइनली चेंजेस हो जाता है, चेंज कर जाता है इनटू सिस्टाकांथ। दिस इज़ द थर्ड लार्वल स्टेज, और ये थर्ड लार्वल स्टेज है सिस्टाकांथ इनकी। नेक्स्ट अब ये जो जो वर्टिब्रेट होस्ट होते हैं फिर वो इस इंटरमीडिएट होस्ट को ईट कर लेंगे। नेक्स्ट वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर एग्जाम्पल है मैमल्स भी हो सकते हैं, कोई फिश हो सकती है, कोई बर्ड हो सकता है, दैट ईट्स द इंटरमीडिएट होस्ट, जो इस इंटरमीडिएट होस्ट को खा लेता है, जिस इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर ये सिस्टाकांथ लावा प्रेजेंट है जो कि अपनी थर्ड लावल स्टेज में कन्वर्ट हो चुका है। इसको सिस्टाकांथ इसलिए कहा जाता है इस लावल स्टेज को, क्योंकि थर्ड लावल स्टेज के अंदर ये लावा अपने ऊपर एक सिस्ट बना लेता है। सिस्ट जो होती है एक ऐसी कवरिंग होती है जिसके अंदर ये लावा प्रेजेंट होता है, और ये एक हार्ड कवरिंग होती है जो अपने लावा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो फिर इसलिए इसको सिस्टाकांथ कहते हैं थर्ड लार्वा स्टेज को। और अब जब कोई मैमल या कोई फिश या फिर कोई वर्ड जो कि वर्टिब्रेट होस्ट होगा, फॉर एग्जांपल फिश है, तो फिश ने अब क्या किया, इस इंटरमीडिएट होस्ट को ईट कर लिया जिसके अंदर ये सिस्टाकांथ प्रेजेंट था। तो फिश ने इस इंसेक्ट को ईट कर लिया और इस तरह फिश की बॉडी के अंदर ये सिस्टाकांथ लार्वा चला जाता है। देन सिस्टाकांथ कम्स आउट ऑफ द सिस्ट। फिर ये सिस्टाकांथ लावा अपने सिस्ट से बाहर निकल आता है, यानी कि उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, जो सिस्ट होता है, उसको वो रिमूव करके बाहर निकल आता है। देन इट अटैचेस टू इंटेस्टिनल वॉल विद इट्स स्पाइनी प्रोबोसिस। फिर वो जो एडल्ट होता है अपने उसके इंटेस्टिनल वॉल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है अपने प्रोबोसिस के थ्रू। ये जो उनका स्पाइनी प्रोबोसिस होता है ये एडल्ट के इंटेस्टिनल वॉल के अंदर अटैचमेंट कर लेता है एंड डिवेलप्स इंटू एडल्ट। और फिर
एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसके उसकी बॉडी से फीड लेता है और फिर एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह इनके अंदर 3 लार्वल स्टेजेस आती हैं और 2 होस्ट के अंदर आकर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम मैंने यहाँ पर लाइफ साइकिल भी ड्रा किया है, उसको देख लें। तो मैंने बताया कि सबसे पहले जो होते हैं एग्ज होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, फीसिस के अंदर, एग्ज इन फीसिस। और एग्ज जो थे कहाँ पर, कहाँ से आए थे, ये वर्टीब्रेट्स की बॉडी से आए थे एग्स, ठीक है। वर्टीब्रेट्स के अंदर फीमेल पैरासाइट ने एग ले किए थे जो कि उनकी फीसिस के थ्रू एग्स बाहर आ गए। सो एग्स इन फीसिस। अब इन फीसिस पर अगर कोई इन वर्टीब्रेट हॉस्ट जो है, इंटरमीडिएट हॉस्ट जो है, वो फीड कर लेता है तो उनके अंदर ये एग चले जाएंगे। अब एग्स इन फीसिस, नेक्स्ट मैंने एग्जांपल ली है एक क्रस्टेशियन की जो कि मैरिन इंसेक्ट है, जिसका नेम है गैमरेड। और ये गैमरेड क्या करता है, इन एग्स को खा लेता है। एग्स हैच इन इंटेस्टाइन और फिर एग इनकी इंटेस्टाइन के अंदर जाकर हैच कर जाते हैं। उनके अंदर से जो लावा निकलता है वो फर्स्ट स्टेज लावा, जिसका नेम है एकैंथर लार्वा। अब ये एकैंथर लार्वा जो है, इसको मैंने ये देखें, इसकी इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रेजेंट है। अब ये कैंथर लावा, इसको मैंने यहाँ निकाल के जूम करके दिखाया, तो इसको अगर मैं बाहर निकाल के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का होता है। फिर ये लावा जो है इनकी गट के अंदर अंदर सुराख करके इनकी हीमोसील के अंदर पहुंच जाता है। गैमरेड की हीमोसील के अंदर पहुंच जाएगा और हीमोसील के अंदर जाकर ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड स्टेज लावा में, दैट इज़ एकैंथासीला। दिस इज़ द सेकेंड स्टेज लावा, दैट इज़ एकैंथासीला। एकैंथासीला के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद एकैंथासीला जो है ये चेंज कर लेगा खुद को थर्ड लावा स्टेज में, दैट इज़ सिस्टाकांत, और जिसके अंदर ये अपने ऊपर सिस्ट बना लेता है। और अब जो लार्वा जो है वो थर्ड स्टेज लार्वल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, दैट इज़ सिस्टाकांत, और ये इस इन्वर्टिब्रेट की बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। अब इस इन्वर्टिब्रेट को फिश ईट कर लेगी जो कि डेफिनेटिव हॉस्ट है, ठीक है। इस इंटरमीडिएट हॉस्ट को, जिसके अंदर सिस्टाकांत लावा प्रेजेंट है, इसको अब ये डेफिनेटिव हॉस्ट ईट कर लेगा। तो इस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है इंटरमीडिएट हॉस्ट ईटन बाय फिश और डेफिनेटिव हॉस्ट, ठीक है। ये इंटरमीडिएट हॉस्ट जो है, ये वाला गैमरेट जो है, इसको फिश ईट कर लेती है। तो इस तरह ये सिस्टाकांत जो है अब फिश की इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच गया है, और फिश की इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचकर ये अपने प्रोबोसिस की हेल्प से फिश के इंटेस्टाइन के अंदर अटैचमेंट कर लेता है, और फिर वहाँ पर रहकर ये एडल्ट स्पाइनी हेडेड वॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह ये एडल्ट फीमेल भी होते हैं उसके अंदर, और एडल्ट मेल्स भी होते हैं। फिर वो एडल्ट मेल्स और फीमेल्स जो कि एडल्ट हो चुके हैं, वो एक दूसरे के साथ मेटिंग करके रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोड्यूस करने के बाद उनकी जो फीमेल्स होती हैं वो एग्स ले करती हैं अपने वर्टीब्रेट या डेफिनेटिव हॉस्ट की बॉडी के अंदर। फिर वो डेफिनेटिव हॉस्ट जो होता है, जब वो फीसिस करता है तो उसके फीसिस के थ्रू एग्स जो हैं बाहर निकल आते हैं, और इस तरह फिर वो एग्स जो हैं उनको कोई इंटरमीडिएट हॉस्ट खा लेता है। इस तरह इनका लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर, दैट वॉज अबाउट द फाइलम एकैंथोसिफेला।